दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आप अभी कौन कौन सी सब्जियां लगा के ग्रो कर सकते हैं। ठंड में लगने वाली जितनी भी सब्जियां हैं, जैसे कुछ 35 से ज़्यादा सब्जियां जिनको आप अभी बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं, उन सभी के बारे में डिटेल जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहली सब्जी जिसको आप अभी लगा सकते हैं और जिस सब्जी को सबसे ज़्यादा अभी लगाया जाता है वो है टमाटर। टमाटर लगाने के लिए आपको अलग से पहले इसके पौधे यानी इसकी नर्सरी तैयार करनी पड़ेगी, फिर उसको ट्रांसप्लांट करना होगा। टमाटर की जो नर्सरी है वो लगभग 25 दिन में ट्रांसप्लांट करने के लायक हो जाती है। एक बार पौधे तैयार होने के बाद अगर आप इसको गमले या ग्रो बैग में ग्रो करना चाहते हैं तो गमले या ग्रो बैग की जो साइज़ है वो आपको कम से कम 12 इंच की रखनी है। उससे बड़ा गमला यूज़ करेंगे तो और ज़्यादा बेहतर होगा। एक बार टमाटर लगाने के बाद आपको इससे लगभग 70 से 75 दिन बाद जो है वो हार्वेस्टिंग मिलना स्टार्ट हो जाती है। और टमाटर की आपको कई किस्में मिल जाएंगी, अलग अलग वैरायटीज़ और ऐसे भी बीज मिल जाएंगे जिनमें डिजीज़ रेजिस्टेंस यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता वगैरह भी होती है। उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। नेक्स्ट सब्जी जिसको आप अभी लगा सकते हैं वो है पालक यानी कि स्पिनिच। पालक भी एक ऐसी पत्तेदार सब्जी है जिसको साल भर थोड़ी केयर के साथ लगा के बहुत आसानी से ग्रो किया जा सकता है। और इसको ग्रो करने के लिए आप जो है गमले या ग्रो बैग की जो साइज़ है, मतलब किसी भी साइज़ में ग्रो कर सकते हैं, बस गहराई उसकी कम से कम 5 से 6 इंच की होनी चाहिए। और एक बार पालक लगाने के लगभग 25 दिन बाद उससे हार्वेस्टिंग मिलना स्टार्ट हो जाती है। और एक बार आप पालक लगाते हैं तो उससे आप आराम से 3 से 4 बार कम से कम हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। अगला, आप अभी प्याज यानी कि अनियन भी लगा के ग्रो कर सकते हैं। प्याज ग्रो करने के लिए पहले आपको अलग से इसकी नर्सरी यानी इसके पौधे तैयार करने होंगे, फिर उसको ट्रांसप्लांट करना होगा। प्याज ग्रो करने के लिए गमले या ग्रो बैग की जो साइज़ है यानी उसकी गहराई कम से कम 6 से 8 इंच की रखें। प्याज को बीज से कैसे लगाना है उसकी हार्वेस्टिंग तक की पूरी अपडेटेड वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप चाहें तो वो वीडियो जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगली सब्जी जिसको आप अभी लगा सकते हैं वो है बैंगन यानी कि एग प्लांट या जिसे ब्रिंजल भी कहते हैं। दोस्तों बैंगन की आपको ढेर सारी किस्में मिल जाएंगी। इसमें अलग अलग रंग, साइज़, गोल गोल बैंगन, लंबे बैंगन और भी कांटे वाले बैंगन, भरता बैंगन, ढेर सारे बैंगन मिल जाएंगे। सफ़ेद, काले, ब्लू, हरे सब रंग के मिल जाते हैं। तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोई सा भी जो बीज है वो उसको लगा सकते हैं। बस बैंगन लगाने के लिए अलग से आपको टमाटर की तरह इसके पहले पौधे इसके बीज के द्वारा तैयार करने होंगे यानी नर्सरी तैयार करनी होगी, फिर उसको ट्रांसप्लांट करना होगा। बैंगन की नर्सरी लगभग 30 दिन में तैयार हो जाती है। और नर्सरी तैयार होने के बाद अगर आप इसको गमले या ग्रो बैग में ग्रो करना चाह रहे हैं तो उसकी साइज़ कम से कम 14 इंच की रखें। और बैंगन लगाने के लगभग 60 से 65 दिन बाद, लगभग 70 दिन बाद, 70 दिन भी लग सकता है, उससे हार्वेस्टिंग मिलना स्टार्ट हो जाएगी। और एक बार अगर आप बैंगन का पौधा लगा लेते हैं और उसकी अच्छी केयर करेंगे तो सालों साल उससे आपको कम से कम 2 से 3 साल तो आपका प्लांट बहुत अच्छे से हार्वेस्टिंग देगा। सब्जी जो आप अभी लगा सकते हैं वो है शिमला मिर्च यानी कि कैप्सिकम। दोस्तों शिमला मिर्च लगाने के लिए भी अलग से पहले आपको इसके पौधे यानी इसकी नर्सरी पहले इसके बीज के द्वारा तैयार करनी होगी, फिर आपको उनको ट्रांसप्लांट करना होगा। शिमला मिर्च की जो नर्सरी है उसको तैयार होने में थोड़ा समय लगता है, कम से कम आपको 35 से 40 दिन का समय लग जाएगा। एक बार नर्सरी तैयार होने के बाद आप इसको गमले या ग्रो बैग में ग्रो करने के लिए गमले या ग्रो बैग की जो साइज़ है वो कम से कम 10 इंच की रखें। 12 या 14 इंच का गमला इसके लिए परफेक्ट होगा। शिमला मिर्च लगाने के लगभग 40 से 45 दिन बाद जो है इससे हार्वेस्टिंग मिलना स्टार्ट हो जाती है। आप अभी सेम फली भी लगा सकते हैं। सेम फली के बीज आपको डायरेक्टली मिट्टी या गमले में लगा के ग्रो करना होगा, या फिर आप चाहें तो अलग से इसके पौधे तैयार कर भी इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। सेम फली में आपको 2-3 वैरायटी मिल जाएगी, जैसे बेल वाली में 2-3 वैरायटी आती है, साथ ही इसमें बुश वाली भी वैरायटी आती है। तो ये वाली जो सेम फली देख रहे हो आप, ये थोड़े सफ़ेद कलर में है और इसमें बहुत ही ज़्यादा फ्रूटिंग होती है। और इसमें बुश वाली भी वैरायटी आती है जिसकी हाइट जो बेल की जो मतलब प्लांट की जो हाइट है वो 4 से 5 फीट तक ही जाती है।
सेमफली में वैरायटी पे डिपेंड करेगा कि आपको कब उससे हार्वेस्टिंग मिलना स्टार्ट होगी। बेल वाली वैरायटी के लिए गमले की या ग्रो बैग की साइज़ कम से कम 16 से 18 इंच की रखें। बुश वाली वैरायटी के लिए 12 से 14 इंच का यूज़ कर सकते हैं आप। अगली सब्जी जिसको आप अभी लगा सकते हैं वो है पत्ता गोभी यानी कि कैबेज। पत्ता गोभी ग्रो करने के लिए आपको अलग से पहले इसके पौधे यानी इसकी नर्सरी तैयार करनी होगी। पत्ता गोभी की जो नर्सरी है उसको तैयार होने में लगभग 30 दिन का समय लगता है। एक बार जब इसकी नर्सरी तैयार हो जाए उसके बाद आप उसको ट्रांसप्लांट करके ग्रो कर सकते हैं। ग्रो करने के लिए अगर गमले में ग्रो करना चाह रहे हैं तो उसकी साइज़ कम से कम 14 इंच की रखें, तभी जाकर आपको पत्ता गोभी का जो साइज़ है यानी हेड है वो बड़ा साइज़ मिलेगा। और पत्ता गोभी लगाने के लगभग 80 से 90 से 100 दिन बाद ये आपको तोड़ने के लिए मिलेगी। नेक्स्ट सब्जी जिसको आप अभी लगा सकते हैं वो है फूल गोभी यानी कि कॉलीफ्लावर। फूल गोभी की भी आपको पत्ता गोभी की तरह पहले नर्सरी तैयार करनी होगी। फूल गोभी की नर्सरी पत्ता गोभी से थोड़े पहले तैयार हो जाती है, मतलब इसकी नर्सरी आपकी 25 दिन में लगभग तैयार हो जाएगी। फिर आप इसको ट्रांसप्लांट करके ग्रो कर सकते हैं। गमले की साइज़ कम से कम एक पौधे के लिए 12 इंच की रखें। फूल गोभी की वैरायटी पे डिपेंड करेगा किससे आपको कब हार्वेस्टिंग मिलेगी। कुछ वैरायटीज़ में लगाने के 60 से 70 दिन में ही हार्वेस्टिंग मिल जाती है, कुछ में 80 से 90 दिन का भी समय लग सकता है। फूल गोभी में आपको सफ़ेद के साथ साथ पीला और पर्पल यानी बैंगनी कलर का भी बीज जो है मार्केट में मिल जाएगा। जैसे आप देखो ये बैंगनी कलर की फूल गोभी है जिसको मैंने पिछले साल अपने गार्डन में लगाया था। इसका भी स्वाद सेम वाइट कलर वाले की तरह ही होता है, बस थोड़ा कलर डिफरेंट होता है, जो कि आप अगर गार्डन में लगा रहे हो तो गार्डन का लुक इससे बहुत ज़्यादा इन्हांस होता है। इसके बीज चाहिए तो उसकी भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप अभी कोरिएंडर यानी कि धनिया लगा के ग्रो कर सकते हैं। धनिए के लिए आप जो गमले या ग्रो बैग की साइज़ है यानी किसी भी साइज़ के गमले या ग्रो बैग में बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं, लेकिन गहराई जो है गमले या ग्रो बैग की कम से कम 5 से 6 इंच की होनी चाहिए। धनिया लगाने के लगभग जब बीज उग जाएं उसके बाद आप इससे 20 से 25 दिन में ही हार्वेस्टिंग लेना स्टार्ट कर सकते हैं। और एक बार लगाकर आप धनिए से 4 से 5 बार तक आराम से हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। और धनिया के जो बीज हैं उसको उगने में ज़्यादा समय लगता है, तो उसमें कम से कम 8 से 10 दिन से 15 दिन तक का भी समय लग सकता है। बाकी अगर आप धनिए के बीज को जल्दी उगाना यानी अंकुरित कराना चाहते हैं तो उस पर ऑलरेडी एक मैंने डिटेल वीडियो अपने चैनल पे शेयर की है, जिससे आप धनिया को मात्र 3 से 4 दिन में अंकुरित कराकर ग्रो कर लेंगे। उसकी लिंक मैं एंड स्क्रीन पर डाल दूंगी, आप चाहें तो वो वीडियो जाकर चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप अभी लाल और हरी भाजी या जिसे रेड और ग्रीन एमरेंथ या चौलोई भाजी कहते हैं उसको भी लगा के ग्रो कर सकते हैं। ये जो पत्तेदार सब्जी है ये दोनों ही बहुत आसानी से ग्रो होने वाली सब्जी है बस, और इसको आपको ज़्यादा गहरे कंटेनर में लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। गमले या ग्रो बैग की साइज़ कम से कम 4 से 5 इंच की होगी, उनमें ये अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। और एक बार लगाने के लगभग 20 दिन बाद से ही आप इसकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जड़ों से नहीं उखाड़ें, ऊपर से कट करके अगर लेंगे तो आप एक बार लगाकर आराम से 5 से 6 बार तक इससे हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। अगला आप अभी ब्रोकली लगा सकते हैं। दोस्तों ब्रोकली एक बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस वेजिटेबल है यानी आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है, तो इसको अपने गार्डन में आप ज़रूर ग्रो करें। ब्रोकली को भी फूल गोभी की तरह ग्रो किया जाता है। पहले इसकी नर्सरी तैयार करनी पड़ेगी, नर्सरी इसकी 25 से 30 दिन में तैयार हो जाएगी, फिर आपको उसको ट्रांसप्लांट करना होगा। ब्रोकली ग्रो करने के लिए गमले की साइज़ 14 से 16 इंच रखें, तब जाके आपको ब्रोकली का जो हेड है वो बड़ा मिलेगा। और एक बार लगाने के लगभग 80 से 90 दिन में आप इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। आप अभी मेथी लगा सकते हैं। मेथी जो है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से और बहुत आसानी से ग्रो होने वाली पत्तेदार सब्जी में से एक है। इसको लगाने के मात्र 20 से 25 दिन में ही आप इससे हार्वेस्टिंग लेना स्टार्ट कर सकते हैं। जब आप इसको हार्वेस्ट करें यानी जब भी आप इसको तोड़ें तो कभी भी आप जड़ों से नहीं उखाड़ें, ऊपर से जितने भी पत्तों की आपको ज़रूरत है आप उसको कैंची से कट कर लें। फिर से कुछ दिन में जो है आपकी मेथी दोबारा हार्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाएगी। मेथी के लिए आपको बहुत ज़्यादा
बड़े या गहरे गमले की ज़रूरत भी नहीं है। मात्र 4 से 5 इंच के गहराई वाले कंटेनर में ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाएंगे। नेक्स्ट आप अभी मूली यानी कि रेडिश लगा के ग्रो कर सकते हैं। मूली के बीज को आपको डायरेक्टली मिट्टी में लगा के ग्रो करना होगा। मूली ग्रो करते वक्त अगर आप गमले में ग्रो कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि गमले की गहराई कम से कम 10 से 12 इंच की होनी चाहिए, तब भी मूली का जो साइज़ है वो ज़्यादा लंबा बनेगा। और मूली में भी आपको कई सारी किस्में मिल जाएंगी, जैसे लंबी वाली मूली में ही आपको सफ़ेद लाल और सफ़ेद और लाल का मिक्स मिल जाएगा। साथ ही इसमें गोल वाली मूली भी आती है, गोल मूली में आपको सफ़ेद लाल और काली कलर की मूली मिल जाएगी। और जो गोल वाली मूली होती है उसको ग्रो करने के लिए गमले या ग्रो बैग की जो गहराई है वो कम से कम 6 से 7 इंच की होनी चाहिए। मूली के बीज को आप डायरेक्टली मिट्टी या गमले या ग्रो बैग में लगा के ग्रो कर सकते हैं, अलग से पौधे तैयार नहीं करें इसके। और जो लंबी वाली मूली होगी उससे आपको हार्वेस्टिंग जो है 35 से 40 दिन में मिलना स्टार्ट होगी। वहीं गोल वाली मूली अगर आप लगाते हैं तो उससे आप 25 से 30 दिन में हार्वेस्टिंग लेना स्टार्ट कर सकते हैं। इन तीनों के ही बीज अगर आपको चाहिए तो उसकी भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। नेक्स्ट आप अभी बीन्स, जिसको फ्रेंच बीन्स या जिसको फलियाँ कहते हैं, उसको भी लगा सकते हैं। इसके बीज आप डायरेक्टली मिट्टी या गमले में लगा के ग्रो करें, चाहें तो अलग से पौधा तैयार कर भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और एक प्लांट के लिए आप कम से कम जो है 7 से 8 इंच का गमला यूज़ करें। बाकी अगर चौड़े कंटेनर को यूज़ कर रहे हैं तो उसमें 2 से 3 प्लांट आराम से लगा के ग्रो कर सकते हैं। बीन्स जो है वो बहुत ही आसानी से और बहुत तेज़ी से ग्रो होने वाली सब्जी है। एक बार लगाने के लगभग 45 दिन में इससे हार्वेस्टिंग मिलना आपको स्टार्ट हो जाएगी। और बीन्स में आप अभी नॉर्मल फ्रेंच बीन्स भी लगा सकते हैं, साथ ही आप पोल बीन्स भी लगा सकते हैं। पोल बीन्स जो होते हैं वो भी बिल्कुल फ्रेंच या बुश बीन की तरह ही ग्रो होते हैं। बस ये वाली जो वैरायटी होती है ये बेल की तरह बढ़ती है, यानी इसके लिए आपको अलग से किसी लकड़ी या पोल की से सपोर्ट देना होगा। और इसमें भी जो है फलियां वो 40, 45 या 50 दिन में लगना स्टार्ट हो जाती हैं, और लगभग जब तक सीज़न चलता है पोल बीन से आपको हार्वेस्टिंग जो है वो मिलते रहती है। नेक्स्ट सब्जी जिसको आप अभी लगा सकते हैं वो है मिर्ची यानी कि चिलीज। दोस्तों मिर्ची के भी आपको बैंगन की तरह बहुत सारी किस्में मिल जाती हैं, कलर्स भी अलग अलग मिल जाते हैं। मतलब नॉर्मल हरी मिर्च के साथ साथ आपको ऑर्नामेंटल मिर्ची वगैरह भी मिल जाएगी। और सेम बैंगन और टमाटर की तरह इसके भी आपको अलग से पहले इसके पौधे तैयार करने पड़ेंगे। मिर्ची के जो पौधे हैं वो 30 से 35 दिन में तैयार होते हैं और फिर आप इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। मिर्ची के पौधे ट्रांसप्लांट करने के लिए गमले या ग्रो बैग की साइज़ आप कम से कम 10 इंच की रखें, 12 इंच का स्टैंडर्ड साइज़ होगा। और मिर्ची लगाने के बाद यानी इसके पौधे जब आप ट्रांसप्लांट करोगे उसके 30 दिन के अंदर ही इससे हार्वेस्टिंग मिलना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट आप अभी आलू लगा सकते हैं। आलू को आप जो बाज़ार से ख़रीदे हुए आलू होते हैं उसके द्वारा ही लगा के ग्रो कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि जिस आलू का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें इस तरह से आंखें यानी कि जो स्प्राउटिंग है वो होनी चाहिए। नए आलू को आपको यूज़ नहीं करना है। पुराने जो आलू होते हैं उसमें इस तरह से अभी के सीज़न में स्प्राउटिंग स्टार्ट हो जाती है। इनको आप बहुत ही आसानी से लगा के ग्रो कर सकते हैं। इसको ग्रो करने के लिए आप मिट्टी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा भुरभुरी और हल्की बनाएं, तभी जो है ज़्यादा मात्रा में आलू बैठेंगे। आलू के लिए आप गमले की जो साइज़ है वो उसकी गहराई कम से कम 12 से 14 इंच की रखें, और जितने ज़्यादा चौड़े कंटेनर में ग्रो करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा आलू के लिए। आलू लगाने के लगभग 110 से 120 दिन बाद इससे जो है हार्वेस्टिंग मिलना स्टार्ट होती है। अभी स्ट्रॉबेरी लगा सकते हैं। स्ट्रॉबेरी के बीज से भी आप इसके पौधे तैयार कर इसको ग्रो कर सकते हैं, या फिर ऑलरेडी इसके नर्सरी से तैयार पौधे लाकर आप इसको अपने गार्डन में लगा सकते हैं। पहली बार ग्रो कर रहे हैं तो नर्सरी से पौधे खरीद कर लाकर ही इसको लगाएं, क्योंकि स्टार्टिंग में इसके बीज को ग्रो करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है और पौधे तैयार होने में भी बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। नर्सरी में इसके पौधे सितंबर अक्टूबर से मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। स्ट्रॉबेरी ग्रो करने के लिए आपको ज़्यादा गहरे या ज़्यादा बड़े कंटेनर की ज़रूरत नहीं है। कम से कम 7 से 8 इंच का कंटेनर गहरा जो होगा वो काफ़ी होगा इसको ग्रो करने के लिए एक प्लांट के लिए। गमले के साथ साथ आप स्ट्रॉबेरी को हैंगिंग बास्केट में भी लगा के ग्रो कर सकते हैं। अगला आप अभी नोल खोल
या जिसे गांठ गोभी या कोलराबी भी कहते हैं, उसको भी लगा के ग्रो कर सकते हैं। इसको ग्रो करने के लिए पहले आपको पत्ता गोभी या फूल गोभी की तरह इसके अलग से पहले पौधे तैयार करने होंगे, फिर उसको ट्रांसप्लांट करना होगा। इनके जो पौधे हैं वो भी 20 से 25 दिन में तैयार हो जाते हैं ट्रांसप्लांट के लिए। और एक अगर आप गांठ गोभी ग्रो कर रहे हैं तो उसके लिए 8 से 10 इंच का गमला या ग्रो बैग लें। बाकी चौड़े कंटेनर में ज़्यादा पौधे लगा के आप इसके ग्रो कर सकते हैं। और एक बार लगाने के लगभग 70 दिन या 80 दिन में इससे जो है हार्वेस्टिंग मिलना स्टार्ट होती है। आप अभी गाजर यानी कि कैरेट्स भी लगा के ग्रो कर सकते हैं। गाजर में भी आपको कई किस्में मिल जाएंगी, जैसे लाल गाजर, काले कलर के गाजर और जो कॉमन जो ऑरेंज यानी कि नारंगी कलर के गाजर होते हैं वो। ऑरेंज वाले जो गाजर होते हैं उसकी साइज़ थोड़ी छोटी होती है, वहीं जो लाल और काले वाले गाजर होते हैं उसकी साइज़ काफ़ी लंबी जाती है। इन तीनों ही कलर के बीज अगर आपको चाहिए तो उसकी भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अगला आप अभी चेरी टमाटर भी लगा सकते हैं। ठंड में चेरी टमाटर बहुत ही अच्छे से ग्रो होते हैं। चेरी टमाटर का जो साइज़ है वो नॉर्मल टमाटर से इसका साइज़ छोटा होता है, लेकिन इसमें गुच्छों में फल लगते हैं। और इसमें आपको लाल के साथ साथ पीले कलर का भी जो चेरी टमाटर है वो मिल जाएगा। और चेरी टमाटर को भी लगाने का तरीका बिल्कुल टमाटर की तरह है। पहले इसकी नर्सरी आपको तैयार करनी पड़ेगी। इसकी नर्सरी 25 दिन में तैयार हो जाएगी, फिर आप इसको ट्रांसप्लांट करके ग्रो कर सकते हैं। अगर आप चेरी टमाटर के अच्छी क्वालिटी के हाइब्रिड बीज को यूज़ करेंगे तो ये पूरे ठंड भर आपको अच्छी फ्रूटिंग देता रहेगा। अगर आपको इन दोनों वैरायटी के बीज चाहिए तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप चाहें तो वहाँ से बीज जाकर खरीद सकते हैं। नेक्स्ट आप अभी मटर लगा सकते हैं यानी कि स्वीट पीस। मटर के बीज को आपको डायरेक्टली मिट्टी या गमले या ग्रो बैग में लगा के ग्रो करना चाहिए। अगर आप इसको गमले ग्रो बैग में ग्रो कर रहे हैं तो उसकी साइज़ एक पौधे के लिए कम से कम 6 से 8 इंच की रखें। बाकी अगर चौड़ा कंटेनर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप 5 से 6 बीज या कंटेनर के साइज़ के अकॉर्डिंग ज़्यादा बीज भी लगा के एक साथ ग्रो कर सकते हैं। ज़मीन या क्यारी वगैरह में लगा रहे तो पौधे से पौधे की दूरी कम से कम 3 से 4 इंच की रखें। नेक्स्ट आप अभी लौकी यानी कि बॉटल गॉर्ड भी लगा के ग्रो कर सकते हैं। लौकी एक ऐसी सब्जी है जिसको आप किचन गार्डन में साल भर लगा के ग्रो कर सकते हैं। जैसे अभी अगर आप ठंड में लगा रहे हैं तो आप इसके लिए हाइब्रिड वैरायटी लगाएं। देसी वैरायटी ठंड में अच्छी नहीं चलती है। लौकी के बीज को आप डायरेक्टली मिट्टी या गमले या ग्रो बैग में लगा के ग्रो कर सकते हैं। आप चाहें तो अलग से इसका पौधा तैयार कर भी इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। लौकी ग्रो करने के लिए गमले या ग्रो बैग की साइज़ कम से कम 18x18 इंच या 20x20 इंच की रखें। अगला आप अभी पाक चॉय या जिसे बॉक चॉय भी कहते हैं, जो कि एक चाइनीज़ कैबेज की वैरायटी है, उसको भी लगा के ग्रो कर सकते हैं। ये जो चाइनीज़ पत्ता गोभी होती है ये ओपन हेड चाइनीज़ पत्ता गोभी है, मतलब इसमें जो है हेड नहीं बनते। जैसे पत्ता गोभी की तरह इसमें गांठें नहीं बनेंगी, ऐसे ही ओपन रहेगा। लेकिन ये जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और न्यूट्रिशियस वेजिटेबल है। इसको भी आप अपने गार्डन में ज़रूर लगा के ग्रो करें। इसके बीज भी ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और ये बहुत ही छोटे से छोटे कंटेनर में ग्रो हो जाते हैं। मात्र अगर आप इसको 5 से 6 इंच के कंटेनर में भी लगाओगे तो बहुत अच्छे से ग्रो होंगे और अच्छा साइज़ मिलेगा। और लगाने के 45 दिन बाद ही इसको आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। आप पत्तेदार सब्जी में अभी लेटस, जिसे सलाद पत्ता भी कहते हैं, उसको भी लगा के ग्रो कर सकते हैं। लेटस में आपको लाल और हरा दोनों कलर मिल जाएगा और इसमें भी आपको कई वैरायटीज़ मिल जाती है। लेटस के ग्रो करने के लिए पहले आपको अलग से पहले इसके पौधे तैयार करने होंगे, फिर उसको ट्रांसप्लांट करना होगा। लेटस को ग्रो करने के लिए ज़्यादा धूप की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी जगह इसको लगा के ग्रो करें जहाँ इसको बस मॉर्निंग की 2 से 3 घंटे की धूप मिले। ये पार्शियल शेड में भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। ज़्यादा तेज़ इस पर अगर धूप लगेगी तो इसके पत्ते जो हैं वो कड़वे हो जाते हैं। और पौधे ट्रांसप्लांट करने के मात्र 30 दिन में ही आप इससे हार्वेस्टिंग लेना स्टार्ट कर सकते हैं। पूरा जड़ों से पौधे को ना उखाड़ें, एक एक पत्ता तोड़ के आप जितनी भी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग आप इसको तोड़ के हार्वेस्ट कर सकते हैं। आप अभी बीटरूट यानी कि चुकंदर भी लगा सकते हैं।
बीटरूट के बीज को आप डायरेक्टली मिट्टी या गमले या ग्रो बैग में लगा के ग्रो कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह से पौधे तैयार कर भी इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। बीटरूट ग्रो करने के लिए चौड़ा कंटेनर यूज़ करें ताकि आप एक साथ जो है कई प्लांट्स लगा सकें, या फिर आप एक एक प्लांट भी एक कंटेनर में या एक एक बीज एक छोटा सा कंटेनर जो है 7 से 8 इंच वाला उसमें लगा के ग्रो कर सकते हैं। और बीट रूट के साथ साथ आप अभी जो है सलजम यानी कि जिसे टर्निप कहते हैं उसको भी लगा के ग्रो कर सकते हैं। सलजम के लिए भी आपको जो है या तो चौड़ा कंटेनर यूज़ करना चाहिए या फिर आप एक प्लांट के लिए 8 इंच का कंटेनर यूज़ करें। सलजम में आपको कई रंग मिल जाएंगे, जैसे सफ़ेद सलजम, बैंगनी कलर के सलजम और सफ़ेद और बैंगनी दोनों मिक्स मिल जाता है। नेक्स्ट आप अभी पत्तेदार सब्जी में चने की साग भी लगा सकते हैं। आप चाहें तो अभी चना भी लगा के ग्रो कर सकते हैं, लेकिन किचन गार्डन में बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग नहीं मिल पाती है चने से। साग के लिए आप ग्रो करना चाहें तो ग्रो कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं इसके साग। और सेम जैसे भाजी आप ग्रो करते हो चौलाई वगैरह, उसी तरह इसका कंटेनर भी जो है किसी भी साइज़ के कंटेनर में ग्रो हो जाते हैं। गहराई कम से कम 5 से 6 इंच की होनी चाहिए और अलग से इसके बीज खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। घर में जो पड़े चने हैं उनका ही इस्तेमाल करके आप इनको ग्रो कर सकते हैं। बीज अगर मतलब जो चने हैं वो ज़्यादा पुराने नहीं होंगे तो बहुत आसानी से जो है वो अंकुरित हो आते हैं और कुछ ही दिन में इससे जो है साग हार्वेस्टिंग के लिए मिलने लगती है। और एक बार लगाकर आप कई बार इससे हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। आप अभी खीरा यानी कि क्यूक्यूम्बर भी लगा के ग्रो कर सकते हैं। खीरे के बीज को आप डायरेक्टली मिट्टी या गमले या ग्रो बैग में लगा के ग्रो करें। इसके आप अलग से चाहें तो पौधे तैयार कर भी इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ग्रो करने के लिए गमले या ग्रो बैग की साइज़ कम से कम 14 इंच की रखें। खीरा बहुत तेज़ी से ग्रो होती है तो 45 से 50 दिन में ही इससे हार्वेस्टिंग मिलना आपको स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट आप अभी जुकीनी या जिसे 56 कद्दू कहते हैं उसको भी लगा सकते हैं। जुकीनी में आपको ग्रीन और येलो कलर दोनों मिल जाता है। ये एक बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और न्यूट्रिशियस वेजिटेबल है और इसको ग्रो करना भी बहुत आसान है। आप इसके बीज को डायरेक्टली मिट्टी या गमले या ग्रो बैग में लगा के ग्रो कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अलग से इसका पौधा तैयार कर भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। जुकीनी में मात्र 45 दिन में ही फल लगना 40 से 45 दिन में फल लगना स्टार्ट हो जाएंगे। इसको ग्रो करने के लिए गमले या ग्रो बैग की साइज़ आपको 14 से 16 इंच की रखनी है। आप अभी करेला यानी कि बिटर गॉर्ड भी लगा के ग्रो कर सकते हैं। करेले के बीज को आप डायरेक्टली मिट्टी में लगा सकते हैं या फिर अलग से इसका पौधा तैयार कर भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। करेले के बीज उगने में थोड़ा समय लेते हैं तो आप इससे जल्दी जर्मिनेशन चाहते हैं तो उस पर ऑलरेडी मैंने एक डिटेल वीडियो अपलोड की है जिससे आप मात्र 4 से 5 दिन में करेले के बीज को उगा के जर्मिनेट करा के ग्रो कर सकते हैं। करेला ग्रो करने के लिए गमले या ग्रो बैग की साइज़ कम से कम 16 इंच की रखें। आप अभी कद्दू यानी कि पम्पकिन भी लगा के ग्रो कर सकते हैं। कद्दू के बीज को आप डायरेक्टली मिट्टी में या गमले या ग्रो बैग में लगा के ग्रो कर सकते हैं। आप अलग से चाहें तो इसका पौधा तैयार कर भी इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। कद्दू ग्रो करने के लिए आपको जो गमले या ग्रो बैग की साइज़ रखनी है वो कम से कम 20x20 इंच की रखनी है एक प्लांट के लिए। तो दोस्तों ये थी कुछ 35 से ज़्यादा सब्जियां जिनको आप अभी लगा के ग्रो कर सकते हैं। लगभग जितनी भी तरह की सब्जियां ठंड में लगाई जाती हैं उन सभी की डिटेल जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की। और इन सभी सब्जियों के बीज, जो भी सब्जियां मैंने आपको इस वीडियो में बताई है, उन सभी के बीज आपको ऑनलाइन गार्डनिंग सेंटर पर मिल जाएंगे जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप चाहें तो वहाँ से बीज जाकर ख़रीद सकते हैं। और जो भी सब्जियों की मैंने बात की है, ज़्यादातर सब्जियों को बीज से लगा के कैसे ग्रो करना है उस पर ऑलरेडी मेरे चैनल पे डिटेल वीडियो अपलोडेड है। आप वो सारे भी वीडियोस जाके चेकआउट कर सकते हैं और ये सारी सब्जियां अपने गार्डन में लगा के ग्रो कर सकते हैं। तो अगर आज की ये वीडियो अच्छी लगी और ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे।